हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हमारे पास है 0810 जो मॉडल आता है ब्रेकर मशीन, डेमोटेशन मशीन भी बोलते हैं इसको दोस्तों, जो हिल्टी मशीन दोस्तों दीवार कंक्रीट वगैरह तोड़ने के काम आती है दोस्तों। इस मशीन का आज दोस्तों कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको, किस टाइप से इसका पूरी हेड रिपेयर करना है, इसको कंप्लीट हेड पिस्टन इसका क्रैंक सारा रिप्लेस करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। काफ़ी आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट में हमने इसका जो हेड बॉक्स है उसका कैप खोला है, जो पीवीसी कैप होता है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, जो इसकी कनेक्टिंग रोड है पिस्टन वाली क्रैंक के अंदर से निकली हुई है। तो दोस्तों निकलने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा किस रीज़न से निकली है और मशीन के अंदर प्रेशर क्यों नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पर पूरे बने रहें, कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखें। तो मशीन को हम खोल रहे हैं, तो दोस्तों हमने वीडियो फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ये दोस्तों देखिए कनेक्टिंग रोड जो कि पिस्टन के अंदर लगा हुआ है हमारा, ये देखिए बिल्कुल ही लूज है हर जगह से कनेक्टिंग रोड के। ये देखिए जो पिस्टन की पिन और ये भी काफ़ी पूरा लूज हो रखा है दोस्तों, पिन भी घिस चुकी है इसकी, और जो कनेक्टिंग रोड है उसके दोनों होल चोड़ चुके हैं इसके, हालांकि टूटी नहीं है ये। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं पिस्टन के भी होल हैं जो हमारे, जहाँ पे हमारी कनेक्टिंग रोड और पिस्टन दोनों जुड़ते हैं, पिन वाला होल है ये भी लूज हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों सभी चीज़ घिसने के बाद में मशीन के अंदर प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए इसका स्ट्राइकर, वो भी एक बार ठोकने पर ही बाहर आ गया है। ये भी पूरा लूज है दोस्तों, देखिए स्ट्राइकर भी, बाकी स्ट्राइकर का हम रिंग चेंज कर देंगे, स्ट्राइकर हम चेंज करने वाले नहीं है इसका। तो दोस्तों देखिए ये पिस्टन इसका बिल्कुल ही लूज है, तो इस कंडीशन में दोस्तों बिल्कुल ही मशीन के अंदर प्रेशर नहीं आएगा आपका, बिल्कुल ही ताकत नहीं रहेगी। तो दोस्तों देखिए मशीन में और आगे हम चेक कर लेते हैं और कोई कमी इसके अलावा। ये इसकी क्रैंक दोस्तों देखिए, क्रैंक का बैरिंग भी पूरा डैमेज ही लग रहा है, देखिए इस टाइप से बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए इसको, बैरिंग बिल्कुल टूटा हुआ है क्रैंक वाला। तो दोस्तों मशीन को पूरा ही खोलना पड़ेगा हमें, फर्स्ट में हम बैक कवर खोल के इसका ये कार्बन बुश खोलेंगे, इसके लेफ्ट राइट दोनों कार्बन बुश निकाल देंगे, उसके बाद में मशीन के जो एलन की नट हैं चारों, हेड भी अलग करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हमें हैंडल भी अलग करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों देखिए, ये बैरिंग हमारा ठीक है वैसे, जो गियर के नीचे वाला बैरिंग है और क्रैंक में जो बैरिंग लगा हुआ है दोस्तों, वो बैरिंग हमारा बिल्कुल ख़राब है। तो दोस्तों ये बैरिंग भी हमारा देखिए हिल रहा है पूरे से, आर्मेचर का जो आगे वाला बैरिंग है 6201 नंबर का बैरिंग, इसमें आर्मेचर में आगे की तरफ लगता है दोस्तों, ध्यान रखें। ये देखिए, तो दोस्तों और कोई इसमें फील्ड एकदम फ्रेश है इसकी, और कोई कमी अंदर है नहीं, बैरिंग सीट वगैरह ओके हैं। तो दोस्तों आर्मेचर का जो बड़ा वाला बैरिंग है 6201 नंबर का, उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों मशीन के सभी बैरिंग हम चेंज करेंगे दोस्तों 6201 नंबर का। बैरिंग को लगाने के बाद इस टाइप से बुश के ऊपर रख के ऊपर से किसी लकड़ी के गुटके या प्लास्टिक हैमर से ठोकना है आपको।
ये आगे का जो स्पेसर है इसका, इसको भी हम लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, गियर इसका जो कि हमने क्रैंक के अंदर से निकाल दिया है। गियर निकालने के बाद में हम क्रैंक को अपोजिट साइड ठोकेंगे जो कि क्रैंक बैरिंग से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम इस मशीन का क्रैंक भी चेंज करने वाले हैं दोस्तों। क्रैंक से पहले ये देखिए, हमें जो इसका क्रैंक का मेन बैरिंग है बड़े वाला, ये देखिए दोस्तों, ऑयल सील भी लगी हुई है इसके अंदर, ताकि इसका जो ग्रीस है दूसरी तरफ या फिर यहाँ से इधर उधर नहीं जाए। ये दोस्तों बड़े वाला बैरिंग है, ये देखिए पूरा डैमेज है दोस्तों। इसकी जगह हम नया बैरिंग जो लगाएंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा चलता है, बाकी ज़्यादा कॉस्टली भी बैरिंग नहीं है, SCH कंपनी का बैरिंग है दोस्तों। ये SCH में भी दोस्तों, यदि आप बैरिंग लगाते हैं तो V3 क्वालिटी लगाएं, जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं। उसके बाद में जो लॉक है हमारा बैरिंग वाला, इसे ज़रूर लगाना है दोस्तों, याद करके रहना जाए। उसके बाद जो इसकी ऑयल सील है दूसरी तरफ, उसे लगा देंगे। पुराने वाला गियर दोस्तों, इसका गियर ठीक है तो गियर को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे पूरा, ताकि कोई भी, ये देखिए दोस्तों, जो कि हम इसमें नया आइटम डालने वाले हैं, पिस्टन का रिंग, एक पिस्टन है हमारे पास, रिंग को हम पिस्टन के ऊपर लगा देते हैं, लग चुका है। ये देखिए दोस्तों, नया हमारा कनेक्टिंग रोड और क्रैंक आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी प्ले नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल फिक्स है। और ये देखिए पुराना वाला क्रैंक मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी लूज है। तो दोस्तों हम इसमें नया क्रैंक लगा देते हैं बैरिंग के अंदर, इस टाइप से क्रैंक को चौड़े वाले हिस्से के ऊपर से ठोकना है दोस्तों, हेड को यहाँ पे शाफ्ट की मदद से। ये देखिए क्रैंक हमारी फिट हो चुकी है, तो दोस्तों जो हमारे गियर के लॉक हैं, चाबी जिसको हम बोलते हैं, क्वार्टर पिन इसकी गियर की, दोनों क्वार्टर पिन लगाएंगे दोस्तों, ग्रीस लगाकर लगाएंगे, ताकि ये हम ठोकते वक्त निकल कर गिरे नहीं नीचे की तरफ। तो दोस्तों दोनों क्वार्टर पिन आपको लगा लेनी है, ताकि चलते वक्त मशीन में कोई मिसिंग नहीं हो, तो दोनों ही क्वार्टर पिन लगानी है आपको दोस्तों, बिल्कुल सीधा रखकर, स्ट्रेट रखकर आपको बिल्कुल अच्छे से ठोकना है, दोनों पिन बराबर से आपको फिक्स होनी चाहिए। थोड़ा सा ठोक कर चेक भी कर लेंगे, फिर पूरा सेट कर दें उसको। देखिए दोस्तों, क्रैंक के ऊपर हमने गियर भी लगा दिया है, और जो इसका बैरिंग है 6001 नंबर का, वो भी हमने लगा दिया है, ये 6201 बैरिंग डालकर, जो हमारा आगे वाली प्लेट है इसकी हेड की, उसको सेट कर दिया है। तो दोस्तों आर्मेचर को प्लेट सहित पहले हम मशीन के अंदर सेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, हिल्टी या कोई भी आपको मशीन है तो उसके गियर बॉक्स में जेल ग्रीस ही यूज करना है, जो कि हम जैगुआर कंपनी का यूज करता हूँ मैं, मुझे इससे अच्छा कोई ग्रीस मिला नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा और सबसे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का चलने वाला ग्रीस है दोस्तों ये, तो गियर बॉक्स में आप यही यूज करें, ग्राइंडर हो या फिर हिल्टी हैमर मशीन। इसके बाद में हेड को हम मशीन के ऊपर फिक्स कर देंगे, सभी बोल्ट टाइट कर देंगे मशीन के,
एलंकी दोस्तों हमने लंबी एलंकी बनाई हुई है ताकि काम फास्ट हो। उसके बाद कार्बन बुश लगाएंगे। बैक कवर मशीन का, तो दोस्तों जो हमारी स्लीव है इसका, टूल होल्डर जो हमारा टूल बॉक्स है इसका, गियर बॉक्स जिसके अंदर हमारी पिस्टन चलने वाली है, उसके अंदर भी दोस्तों देखिए स्ट्राइकर का भी हमने रिंग चेंज कर दिया है। तो इसके ऊपर दोस्तों जो बीच में हमें इस टाइप से जो जेल है हमारा वो लगा देना है, और स्लीव के अंदर भी ये देखिए दोस्तों जो नुकीला वाला पतले वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ रखना है, जहाँ पे हमारा टूल के ऊपर ये टकराएगा सीधा स्ट्राइकर। स्ट्राइकर बोलते हैं दोस्तों इस पार्ट को जो हमने स्लीव के अंदर डाल दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा जेल और लगाना है दोस्तों। इस मशीन में ऑयल नहीं डलता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारा पिस्टन पिन की जगह भी इसमें ग्रीस का यूज करना है दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों इस टाइप से जो कनेक्टिंग रोड है उसको लगा लेंगे और पिन को पूरा सेट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें भी यहाँ पर हमें जेल लगाना है जो कि चलते वक्त आराम से पूरे पे लगता रहेगा। ये देखिए दोस्तों नया पिस्टन और रिंग डालने के बाद में काफ़ी वैक्यूम काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो दोस्तों ये क्रैंक के ऊपर जहाँ पे हमें कनेक्टिंग रोड सेट करना है वहाँ पर भी अच्छे से जेल लगाएंगे। और आपको ध्यान रखना है मशीन को लगभग एक महीना यूज़ करने के बाद में मेंटेनेंस ज़रूर करें, हेड के अंदर ग्रीस वगैरह ज़रूर चेक कर लें और हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही ग्रीस यूज़ करें दोस्तों। इस टाइप से हमें ये लगा देना है। और जो स्लीव के चारों पेच हैं एलंकी की बोल्ट उनको भी लगा लेना है दोस्तों। इसके बाद में जो हमारा हेड का कैप है उसे हम टाइट कर लेंगे दोस्तों। बिट लगाने के लिए टूल होल्डर को नीचे खींचकर इस टाइप से लगाना है और फिर टूल होल्डर छोड़ देना है, बिट लॉक हो जाता है दोस्तों। और यदि बिट निकालना है तो नीचे की तरफ खींचकर टूल होल्डर को फिर बिट खींचना है। तो इस टाइप से दोस्तों इसका जो टूल होल्डर काम करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मशीन बिल्कुल नई की तरह चलने वाली है, बिल्कुल पावरफुल मशीन बन चुकी है अब हमारी ये। तो दोस्तों ये देखिए मशीन का जो साउंड है वो भी बिल्कुल स्मूथ ही आने वाला है। तो दोस्तों पूरा हेड सेट करने के बाद में कम से कम आपको मशीन को 10 मिनट चलाना है, तब तक कि आपका ग्रिस लूज नहीं हो, तो उसके बाद भी फुल प्रेशर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।